आसंताकाल प्रथम पर्याय निर्वाचन होता बेले ब्रह्मपुर लोकसभा एवं विधानसभा आसन पर पूरा प्रस्तुत प्रशासन भोट पाई पोलिंग पार्टी को ईवीएम और वीवीपैट मशीन जगाई दि जाऊँगी। गोपालपुर विधानसभा निर्वाचन मंडल 208 बूथ, ब्रह्मपुर विधानसभा निर्वाचन मंडल 179 बूथ, दिगपहंडी 255 बूथ एवं चिकिटी विधानसभा निर्वाचन मंडल 241 बूथ कर समस्त निर्वाचन अधिकारी कर्मचारी एवं पुलिस ऑफिसर माने निज निज बूथ रे पहुंची सारी। एहा छड़ा भोटर माने किभली भावे शांति श्रृंखला रे निजर मतदान सब्यस्त करिवे से नहीं समस्त प्रकार व्यवस्था करिछि जिला प्रशासन। ब्रह्मपुर लोकसभा निर्वाचन मंडल आसुवा गजपति जिलार मोहना एवं पारलाखेमुंडी विधानसभा क्षेत्र में मतदान पर व्यापक प्रस्तुति। दुई निर्वाचन मंडल प्रति बूथ पर 5 जन लेखाएं पोलिंग ऑफिसर एवं 2 जन लेखाएं सुरक्षाकर्मी को नियोजित करा पर्यायक्रमे से मतदान केन्द्र को पठा जा अबाध और निरपेक्ष मतदान पर कड़ा सुरक्षा व्यवस्था ग्रहण करसपी कहते मॉकपोल जो सका 5:30 आरंभ हे 1.5 घंटा टाइम अच्छी तो इन द प्रेजेंस ऑफ एजेंट हे पॉलिटिकल एजेंट प्रेजेंस रे हेब और मॉकपोल पाई भी प्रॉपर वी आर रेडी एंड एट डिस्ट्रिक्ट लेवल वी हैव फॉर्म 1 कंट्रोल रूम सब गोटे गोटे एसी पाई गोटे गोटे कंट्रोल रूम तैयारी करा जाई छी। फ्रॉम कंट्रोल रूम साइड आवरली ऑन आवरली बेसिस आम टीम सहित सेक्टर ऑफिसर सहित एवं पोलिंग टीम सहित संपर्क में रहे किसी भी अनुचित घटना हेब ना हेब तो ताको तुरंत रिस्पॉन्ड करिबा पाई वी आर वेरी रेडी। आमर टोटल 886 बूथ अच्छी ता भितर आम संवेदनशील बूथ बा क्रिटिकल बूथ 139 टी आइडेंटिफाई करा है छी। इन एडिशन टू दैट आम पाक जिते भी कंप्लेन आस डीओ डीओ एसेसमेंट करिकरे डीओ लेवल रे एसेसमेंट करिकरे आमर जो बाकी बूथ गुड़ाक अच्छी जोटा आम भावु से किसी समस्या मैं एंटीसीपेट करा जाई पारे समस्या सेठी भी आमर स्पेशल फोर्सेस डिप्लॉय करा है जोटी किसी असुविधा पूर्व दिन घटना घटी ताकू नहीं कि आम माइक्रो ऑब्जर्वर फिक्स कर 100% प्रिजाइडिंग ऑफिसर सहित सुपरवाइजर हिसाब से रहिबे आरंभ रु शेष पर्यंत 5:30 मॉक पोल आरंभ हम 6 पर्यंत पोल हम ताभर समस्त तथ्य को बरणी देवे सी तांकर रिपोर्टिंग आम पढ़ी पुणी आम तार व्यवस्था करूँ आगामी दिन में कार्यक्रम निया लाइक वाइज सीसीटीवी वेबकास्टिंग सीसीटीवी वीडियोग्राफी ये सब कराई आउ टे ट्रांसपेरेंसी को सामना को आने कोलाहांडी रे निर्वाचन पर जोरदार प्रस्तुति ईवीएम धरी बूथ अभिमुखे जाउछंती पोलिंग पार्टी। कोलाहांडी 13 ब्लॉक मधुर 11 ब्लॉक माओ प्रवण रही एथिलागि सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी करा जायछे। प्रति बूथ रे गोटे सेक्शन पुलिस अधिकारी मुतयन होइछंती। प्राय 10,000 कर्मचारी मतदान प्रक्रिया निजुक्त होइछंती। सुरक्षा दायित्व रे सीआरपीएफ ओएसएपी और ओडिशा पुलिस नियोजित होइछंती। काली ठारू डिस्पर्सल आरंभ है ची तो 1355 बूथ्स पोलिंग पार्टीज हैव ऑलरेडी बीन डिस्पर्स दे हैव रीच सेफली एट देयर डेस्टिनेशन। आज ही अराउंड 50 बूथ्स जो पेंडिंग अच्छी म्युनिसिपैलिटी रा लोकल नियर बाय एरियाज तार डिस्पर्सल चली एटा भी विदिन 1 आवर इट विल बी डन। 1405 बूथ्स आउट ऑफ दैट 226 आर क्रिटिकल विच हैव बीन गिवन फोर्स मल्टीप्लायर्स। सिक्योरिटी पुलिस पर्सनल दिया जाइए कॉन्स्टेबल ओडिशा पुलिस रो आउ ये भोटिंग मशीन सब दिया दिखाई भोटिंग मशीन बेलाउट यूनिट दिया दिखाई कंट्रोल यूनिट दिया दिखाई आ वीवीपैट जो भोटर चेकिंग कर तर भोट ठीक पड़ा कि नहीं मेसीन टे दिखाई जितेबाला जहाँ चाहिए दे पारे कहते आउ टाउन उपर पर विशेष किसी आम एतटा भय ना ओमेन पोलिंग पर्सन उत्साह सहित आज गत काली आज से ईवीएम वीवीपैट सब नहीं तेणु से इलेक्शन प्रोसेस से सामिल होती खुशी अच्छे बहुत खुशी अच्छा पर्याप्त परिमाण में सेंट्रल मिलिट्री फोर्स आम स्टेट पुलिस फोर्स और पारामिलिट्री फोर्स नियोजित कराई कि भय करना भय होवार किसी रिपोर्ट आसी ना कि भयभीत भी होवार किसी ना आम समस्त को फुल मात्रा रे प्रोटेक्शन देव और पर्याप्त परिमाण में पोलिंग पर्सनल डिप्लॉय कराई प्रत्येक बूथ में तेणु भय होवार किसी आवश्यकता नहीं।
ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଇଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 573ଟି ବୁଥ୍ ପାଇଁ ପୋଲିଂ ପାର୍ଟି ଇଭିଏମ୍ ଭିଭିପାଟ୍ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବୁଥ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଅବାଧ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ଭୋଟ୍ ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ମୋହନା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର 297ଟି ବୁଥ୍ରେ 216,644 ଜଣ ଭୋଟର ମତଦାନ କରିବେ। ସେହିଭଳି ପାରାଡ଼ା ଖେମୁଣ୍ଡି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର 276ଟି ବୁଥ୍ରେ 210,330 ଜଣ ମତଦାନ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଥ୍ରେ 5 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ପୋଲିଂ ଅଫିସର ଏବଂ 2 ଜଣ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୂରତା ଅନୁସାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ପୋଲିଂ ପାର୍ଟିକୁ ପଠାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଆସିବା। କେରଳର ୱାୟନାଡ଼ା ପରେ ନିଜର ଚିରାଚରିତ ଆସନ ଆମେଥି ପାଇଁ ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ଏଥିପାଇଁ ବିଶାଳ ରାଲିରେ ନାମାଙ୍କନ ଭରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ନାମାଙ୍କନ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଭଉଣୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମେତ ଦଳର ଅନ୍ୟ ନେତା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ରାହୁଲ କେରଳର ୱାୟନାଡ଼ା ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆମେଥିରୁ ରାହୁଲ 3 ଥର ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି। 2004, 2009, 2014 ସେଠାରୁ ଲଗାତାର 3 ଥର ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେଥି ଆସନ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ନିଆଯିବ। ବିଜେପି ଏହି ଆସନରୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ମୃତି ଇରାନୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ୟୁପିଏ ଚେୟାରପର୍ସନ୍ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ରାୟବରେଲିରେ ନିଜ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆମେଥିରୁ ରାହୁଲଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର। ହଜାର ହଜାର ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହିତ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆମେଥି ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ। ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ବହୁ ହେଭିୱେଟ୍ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କେରଳର ୱାୟନାଡ଼ା ଆସନରୁ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆସନ ଭାବେ ୱାୟନାଡ଼ ଆସନରୁ ସେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଚିରାଚରିତ ଆସନ ତାଙ୍କର ଆମେଥି ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି ଏବଂ ଆମେଥିରୁ ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ଏଥିପାଇଁ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। କେରଳର ୱାୟନାଡ଼ା ପରେ ନିଜର ଚିରାଚରିତ ଆସନ ଆମେଥି ପାଇଁ ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର। ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆସୁଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ହଜାର ହଜାର ସମର୍ଥକଙ୍କ ଗହଣରେ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ବହୁ ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ନାମାଙ୍କନ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଭଉଣୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଦଳର ନେତା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ରାହୁଲ କେରଳର ୱାୟନାଡ଼ା ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେଥିରୁ ରାହୁଲ 3 ଥର ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରାହୁଲଙ୍କର ଗଡ଼ ହେଉଛି ଆମେଥି। 2004, 2009, 2014 ଲଗାତାର 3 ଥର ସାଂସଦ ହୋଇଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ।